तो सबसे पहले देवेंद्र जी आपका वेलकम करना चाहूंगा हमारे इस ऑनलाइन डेमो क्लास में जहां जहां आप ज्वाइन किए हैं। और जैसे कि हमारी फोन पे बातचीत हुई थी, आपने बात किया था टैबलो के ऊपर। तो सबसे पहले बात कि टैबलो आप सीखना क्यों चाहते हैं, क्या पर्पस क्या सीखने का? बेसिकली टैबलो मुझे, जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सेल आता है, तो मुझे बिजनेस एनालिसिस के लिए और डेटा साइंस के लिए मुझे यूज करना है। तो अभी आप जॉब कर रहे हैं या फ्री है? अभी तो मतलब बेसिकली सर पैराडिमिक सिचुएशन के कारण मेरी जॉब नहीं है, अभी कहीं जॉब नहीं कर रहा हूँ, इससे अर्लियर मैं जॉब कर रहा था। ओके, चलिए चलिए मैं आपको टैबलो के बारे में समझाता हूँ कि टैबलो है क्या। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दे रहा हूँ आपको। बेसिकली टैबलो एक डेटा विजुलाइजेशन टूल्स है, डैशबोर्ड वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। आप अगर गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे टैबलो डैशबोर्ड और इसके इमेज सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको दिखेगा ये। तो टैबलो की मदद से इस तरह की डैशबोर्ड को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, दिख रहा है आपको सर? तो इस तरह की डैशबोर्ड को बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है टैबलो की मदद से। लेकिन एक चीज हम एक्सेल पे भी कर सकते थे, बट क्या है कि एक्सेल पे इतना ग्राफिक्स और इतने टाइप ऑफ द डेटाबेस कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम एक्सेल पे इसकी बनाने की कोशिश करें तो घंटों लगता है, बट वहां पे सिंपल लग जाता है। दूसरा आप बात करें, अगर मैं एक बार टैबलो ओपन करता हूं तो टैबलो मोर देन हंड्रेड ऑफ डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। एक्सेल की लिमिटेशन इतनी नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे डेटाबेस से कनेक्ट होकर टैबलो बनता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, जो टैबलो या फिर हम पावर बी की बात करें तो ये आपको एमएनसी में ज्यादातर यूज होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत सारे वर्कफोर्स है और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, वो लोग इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और टैबलो की बात करें तो हमारे पास टैबलो के साथ पावर बी आई बेटर कौन सा होगा हमारे लिए, टैबलो होगा या? देखिए हर कंपनी अपने हिसाब से यूज करती है। कंपनी मान लीजिए बहुत पहले से टैबलो को यूज कर रही है तो टैबलो यूज करेगी, पावर बी पैसा थोड़ी खर्च करेगी सर। दूसरी चीज है, ये कंपनी अभी रिसेंटली में एमएस ऑफिस परचेज कर रही है, एमएस ऑफिस के साथ साथ उसको पावर बी आई मिल रहा है, तो फिर वो टैबलो के ऊपर पैसा क्यों खर्च करेगा? दूसरी चीज, टैबलो थोड़ा सा कॉस्टली है, पावर बी आई थोड़ा सा कम कॉस्टली है। अगर दोनों की कंपेयरिंग करें प्राइस की, तो पावर बी आई की 660 पर यूजर मंथली कॉस्ट है और इसका $79 इसका चार्ज है। $9 आपका इसका पावर बी आई का चार्ज है मंथली और $79 जो है टैबलो का चार्ज है, तो कॉस्टली है। तो ये आपका टैबलो का बिंदु दिया जाता है। तो अब हाँ, अब आप बोलेंगे कि सर हाउ कैन जज कि टैबलो सीखे या पावर बी आई सीखे? पावर बी माइक्रोसॉफ्ट का है तो थोड़ा सा हो सकता है कि ज्यादा इसका ग्रोथ। देखिए इसका जवाब आपको naukri.com देगा। naukri.com पे आप जाते हैं और यहाँ पे आप टैबलो पे जॉब चाहिए ना सर आपको, ये बहुत सारे अलग से है। तो आप यहाँ टैबलो को सर्च कीजिए। और यहाँ पे लोकेशन, किस लोकेशन में है आप? सर अभी तो मैं अपने होम टाउन में हूँ, इन मतलब बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, जो नियर बाय लखनऊ है, ऐसे मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली सर्च करते हैं। तो इसने जॉब सर्च कर दिया कि अभी करेंसी में 3261 जॉब अवेलेबल है और यहाँ हम इसको रिसेंट डेट बाय सॉर्ट करते हैं। ये देखिए आपके साथ जॉब। तो जो टैबलो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जावा वाले को भी मांग रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट कर रहे हैं उनके साथ टैबलो है, बिजनेस एनालिटिक्स, स्ट्रक्चर फाइनेंस। तो इसमें से बहुत सारे जो आपके
टैबलू एनालिटिक्स हो गया यहाँ पे, डेवलपर हायरिंग, बहुत सारे पेजेस को खोलें और खोलने के बाद आप वन बाय वन चेक करें कि क्या क्या डिमांड कर रहा है। जैसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस क्या स्ट्रक्चर का, तो इसमें रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इसमें टैबलू का डिमांड नहीं किया गया है। इस बताइए सर्च की में डाल दिया सर्च आ गया। यहाँ पे देखिए केपीओ ऑपरेशंस है इसमें मांगेगा, लेकिन ये सारे के सारे आपको डेटा स्किल्स का डेटा साइंस के ऊपर वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे आपको टैबलू का ये टैबलू का डिमांड, आप देखिए टैबलू के साथ साथ अकेला टैबलू के नहीं मांग रहा ना सर, टैबलू के साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोफाइल इसके यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। उसके बाद इसकी हम बात करें तो इसमें देखिए एडवांस एक्सेल भी है, गुड कम्युनिकेशन है, और उसके बाद टैबलू के साथ साथ माना गया एमआईएस मैनेजर है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टैबलू अकेला नहीं आ रहा है, समझे ना। अब यहाँ पे देखिए टैबलू एनालिटिक्स में 6 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, इसको तो भूल ही जाइए। ये बीआई मांग रहा है एनालिटिक्स, तो इस तरह से आप रेंज करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे कि कितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्या पैकेज दे रहा है और इसके साथ साथ क्या क्या मांग रहा है, प्रोफाइल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। वन टू टू है सर एक्सपीरियंस मिनिमम, 1 to 6 बिल्डिंग वर्किंग। सर आप जो सर है एडवांस का सिखाते हो सर की, या मतलब बिगनर का? एक डेटा एनालिटिक्स का, एक एमआईएस का। देखिए इसमें जो होगा टैबलू में आपको, मैं टैबलू के हर एक कंटेंट को आपको पूरा करूंगा, इसके फंक्शंस आपके सारे फंक्शंस में बताऊंगा, सारे विजुलाइजेशंस बताऊंगा, सारे कनेक्टिविटी बताऊंगा। बट इसमें जो आपका सॉफ्टवेयर आपका टैबलू डेवलपर है, ये डेवलपिंग पार्ट इसमें क्या है कि कुछ ये भी चलता है। इसमें कुछ प्रोग्रामिंग भी चलता है, तो प्रोग्रामिंग पार्ट को हम आपको नहीं कराएंगे। प्रोग्रामिंग मींस कौन सा वाला सर पार्ट? इसमें थोड़ा सा आर की प्रोग्रामिंग और पैथन की प्रोग्रामिंग वगैरह इंक्लूड होता है, वो हम आपको नहीं कराएंगे, बाकी सब कुछ कराएंगे। सर पाइथन तो मुझे आता है, आर भी आता है, बेसिकली मैं डेटा साइंटिस्ट की जॉब करता हूँ, करता था, अब तो नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे तो पाइथन अगर आप करते हैं तो पाइथन में, पाइथन कर रहे हैं तो टैबलू भी यूज हो सकता है और आपका पावर बीआई भी यूज हो सकता है। देखिए यहाँ पे देखिए पहला आ रहा है ना आपका पाइथन डेवलपर, और यहाँ पे टैबलू का भी डिमांड किया गया है। तो मुझे जैसे जैसे बेसिक बेसिक जो लेवल है, जो मतलब हल्का फुल्का यहाँ से बना, जैसे छोटा सा यूज करना, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत यूज करता था एक्सेल एक्सेल का, ठीक है। वो देखिए वो जो पैसन अलग चीज है, पैसन तो मुझे भी नहीं आता, जो मैं आपको बताऊं इसके बारे में बनाना है। बट यहाँ पे आप देखिए अगर पैसन आपके पास है तो आपका टैबलू पे जाने का अच्छा चांस है। टैबलू के साथ पैसन की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे हैं वैकेंसीज में, यहाँ आपके सामने जॉब वैकेंसीज मैंने खोला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पहली वैकेंसी पैथन टैबलू, दूसरी वैकेंसी में भी आपको टैबलू है, इसमें पैथन से मांगा है, इसमें भी आपका पावर यहाँ पे पैथन एसक्यूएल टैबलू मांग रहा है, सैप के साथ भी टैबलू का डिमांड कर रहा है। तो सर ये जो बेसिक है जो डेटा, मतलब हम अगर पाइथन से करेंगे डेवलपर वाला, तो किस पार्ट में हम इसे कैसे करेंगे, कुछ मुझे आइडिया हो? जैसे कि नहीं समझे पाइथन जैसे होता है कि एक हुआ कि आपके यहाँ रिपोर्ट, हर एक चीज को रिपोर्ट बनाना पड़ रहा, उठा 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 कर रख रहा है। पाइथन में आपने पूरी प्रोग्रामिंग कर दी, बस एक बार इम्पोर्ट पे क्लिक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली आपका रिपोर्ट बना देगा। जो मतलब पाइथन से पीछे से डेटा फेच कर लिए और उसको जो मतलब डेटा फेच करना है, जो भी मतलब जो भी कंडीशन जो भी कैलकुलेशन वगैरह करनी है वो कैलकुलेशन पाइथन ने किया हुआ है,
डेटा चेंज हो रहा है उसको, जैसे हम लोग एक्सेल में वीबी इस्तेमाल कैसे करते हो ऑटोमेशन के लिए, कोई चीज यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं है सर वीबी कोई सेम चीज यहाँ पर होता है। मैं जो इसमें कराऊंगा मेरी कंटेंट आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी कंटेंट यहाँ तेरा ठीक है, इसमें आपका डेटा एनालिटिक रियल टाइम एनालिटिक्स एंड कोलैबोरेशन सब डेटा होगा इसमें, आप रिपोर्ट बनाना हो गया वो एडवांस हो गया, कैलकुलेशन हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, डैशबोर्ड हो गया, डेटा एनालिटिक हो गया एंड सर्वर ऑनलाइन हो गया। और सर जो आप एसक्यूएल का कराते हो तो मतलब इसमें भी मतलब बेसिक वाला ही होगा सर एसक्यूएल? देखिए हम जो देखिए मेरी जो बेसिकली जो मेरा जो कोर्स है रिपोर्ट एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स के आसपास जो है उसके लिए है। ओके ठीक है ना, तो इस सर मैं बेसिकली अगर मैं टेबलू ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे कितनी मतलब नॉलेज हो जाएगी, जैसे मैं बेसिकली मतलब मैं टैबलू के इनबिल्ड फीचर जितने देखिए टैबलू की जो इनबिल्ड फीचर है वो सारे के सारे फीचर्स हम कवर करेंगे। ओके तो मतलब इससे हमारा सर एफिशिएंट वर्क कर पाऊंगा कि नहीं हो पाएगा सर इस मतलब कोर्स से अगर मैं करना चाहूँ मैं मतलब लगभग इंडस्ट्री में सरवाइव कर लेंगे? जी हाँ काफी है इसी, क्योंकि मैं सर आपके तो मतलब मैंने बहुत सारी आपकी एक्सेल की ट्यूटोरियल देखता रहता हूँ या कभी मतलब सर मैं अभी तक तकरीबन 1200 से ऊपर स्टूडेंट को टैबलू पढ़ा चुका हूँ और सक्सेसफुली और ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। तो सर ये आप खाली डायरेक्ट टैबलू या मतलब इससे पहले आपने मतलब उसमें कुछ वीडियो में बताया कि इससे पहले आप मुझे मतलब पीवट वगैरह थोड़ा ये सब बताओगे तो वो भी पीवट तो पावर बीआई में चलता है, इसमें पीवट नहीं है। अच्छा इसमें पीवट की जरूरत नहीं है, पीवट की जरूरत नहीं है, पीवट ही को ही एडवांस किया गया है, बट पावर बीआई में हम लोगों के पास पावर क्यूरी होता है, तो पीवट इसलिए कराया जाता है पावर क्यूरी को समझने के लिए, इसमें पावर क्यूरी का सिस्टम कुछ है नहीं। ठीक है ठीक है, तो मुझे बेसिकली डायरेक्ट मुझे टेबलू पर ही होगा मेरा एक्सेल का मतलब इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं होगा? नहीं एक्सेल का रोल क्यों होगा, एक्सेल तो ऑलरेडी एक्सेल अलग चीज हो गया, अलग चीज हो गया। ओके ये हमारी ठीक है, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे आप बात करते हैं कि टैबलू की ऐप कहाँ से मिलेगा आपको सर, क्योंकि ऐप इसका अगर ट्रायल वर्जन लेते हैं टैबलू के बेसिकली दो है, टैबलू डेस्कटॉप एंड टैबलू पब्लिक। तो टैबलू पब्लिक और एक हिस्सा है टैबलू स्टूडेंट वर्जन, जब भी मेरा खुला हुआ दिख रहा है इसको टैबलू स्टूडेंट वर्जन कहते हैं, टैबलू स्टूडेंट वर्जन। अब प्रॉब्लम होती है कि इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो काफी ज्यादा महंगा है, तो परचेज करना तो मुश्किल है, $70 पर मंथ क्या काफी ज्यादा महंगा है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करते हैं अगला ऑप्शन कि टैबलू को कैसे करें, तो टैबलू पब्लिक आप लेते हैं तो टैबलू पब्लिक में लिमिटेड ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन आता है टैबलू स्टूडेंट वर्जन, टैबलू स्टूडेंट वर्जन जो है ये मेरे सामने दिख रहा है वही है, और आपको सीट में सिखाऊंगा। अब टैबलू स्टूडेंट वर्जन मिलेगा कैसे, तो टैबलू स्टूडेंट वर्जन के लिए आपको होना चाहिए आपके पास कोई यूनिवर्सिटी का आई कार्ड आपके या किसी और के नाम से भी, अगर आप आई कार्ड अरेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे आप टैबलू को अप्लाई कीजिए, अरेंज करके अप्लाई करने के बाद यहाँ से अप्लाई कीजिए, उसके बाद आपको कोड आएगा, फिर आपको सॉफ्टवेयर लिंक आएगा। ओके किसी भी यूनिवर्सिटी का आई कार्ड सर? जी हाँ जी हाँ ठीक, तो ये अरेंज कीजिए, क्योंकि जब तक आप सॉफ्टवेयर अरेंज नहीं करेंगे तब तक सिखाने में कोई फायदा नहीं है ना सर। हाँ हाँ, अगर सर टैबलू पब्लिक पे सीखें तो सर टैबलू पब्लिक तो खुद भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज तो नहीं, वो तो उनके लिए बनाया गया है टैबलू पब्लिक, जो सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना चाहते पर रिपोर्ट देखना चाहते हैं।
अच्छा, जो परचेज नहीं करना चाहते, बस वो सिंपल सा देखना चाहते हैं। जी तो सिंपल से उसमें क्या छोटी मोटी चेंजिंग के साथ सिंपल सा चीजें हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, कोई कॉल कर रहा है। हाँ हाँ ओके सर। तो ओके, तो आप जो है पहले कोई एक आई कार्ड अरेंज कीजिए, उसके बाद स्टूडेंट वर्जन में 2-3 दिन का टाइम लगेगा आपका। स्टूडेंट वर्जन जब आप मिल जाता आपको, उसके बाद फिर क्लासेस को शुरू करेंगे। इसकी फीस आपको 6,000 रुपीज लगेगी, जो कि 1.5 से 2 महीने का कोर्स होगा उसके लिए। हर क्लास लाइव होगा, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग होगी और रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा सर। ओके।